नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। बिहार का एक जिला है कैमूर, इसमें एक थाना है रामगढ़। 18 जनवरी 2019 की सुबह इस थाने पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और हंगामा कर दिया। लोगों ने थाने में खड़ी पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया, थाने में रखे गए कागजात फाड़ दिए और पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए 20 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की तो लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इसकी वजह से गुस्सा और भड़का और लोगों ने पुलिस के जवानों पर इतना हमला किया कि मोहनिया के DSP रघुनाथ सिंह के अलावा एक इंस्पेक्टर और 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। रघुनाथ सिंह को गंभीर चोट लगी है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी रेफर किया गया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पर पहुंचे और उन्होंने आगजनी कर दी? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी की शाम को मोहनिया रेलवे स्टेशन के पास एक युवती गंभीर हालत में मिली थी। युवती रामगढ़ इलाके की ही रहने वाली थी। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत की खबर जब गाँव वालों को मिली तो उन्होंने 18 जनवरी की सुबह हंगामा कर दिया। गाँव वालों के मुताबिक लड़की पैसे निकालने के लिए रामगढ़ CSP गई हुई थी। CSP एक तरह का बैंक होता है जहाँ 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की निकाले जा सकते हैं। इसके लिए CSP में खाता होना जरूरी होता है। गाँव वालों का कहना है कि CSP के संचालक मनोज कुमार सिंह ने जबरन लड़की के खाते से पैसे निकाल लिए और उसकी हत्या कर बॉडी रेलवे ट्रैक पर डाल दी। वहीं पुलिस का कहना था कि GRP ने उन्हें सूचना दी थी कि एक लड़की गंभीर हालत में ट्रैक पर पड़ी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसी के बाद 18 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे से ही लोग रामगढ़ थाने पर जमा होने लगे और हंगामा करने लगे। फिलहाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कैमूर के साथ ही पड़ोसी जिले रोहतास और बक्सर की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। खुद DIG रेंज को मौके पर कैंप करना पड़ा, लेकिन अब भी पूरा रामगढ़ इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। रामगढ़ अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है और लोग मौके पर डटे हुए हैं। पुलिस भी मौके पर डटी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी हिलने को तैयार नहीं हो रहा है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि 24 घंटे में वो अपराधियों को पकड़ लेगी। वहीं लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि तुरंत ही उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे लल्लनटॉप आपको वीडियो के जरिए बताता रहेगा। बिहार के अलावा देश दुनिया की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए lallantop.com। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।